एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे मेकअप क्रिएट किया है। ये मैंने कैसे किया है चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है मैंने। मैं अपना फेस वॉश करके अपना स्किन केयर करने आ गई थी, तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो मैंने कहा चलो मेकअप का वीडियो बना लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाया है, इसके बाद ब्लॉग का वीडियो आएगा। तो मैं सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पर रोज़ मिस्ट। मिस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है अपना टोन करने के लिए। और नेक्स्ट मैंने लिया है सीरम। तो सीरम मैंने किसका लिया है, पोमेग्रेनेट का लिया है। पोमेग्रेनेट का सीरम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जैसे आपकी डल डैमेज स्किन हो जाती है तो उसको रिपेयर करता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपके फेस पे एक ग्लो प्रोवाइड कर देता है। और नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर कोकोनट क्रीम। इससे बहुत अच्छा फेस मॉइस्चराइजिंग होता है। अगर आप कोई मॉइस्चराइजर क्रीम ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी है मॉइस्चराइजर क्रीम, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये फेस को एकदम मॉइस्चराइज कर देती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती है। और नेक्स्ट मैंने लिया है ईवा का लिप बाम। तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है और तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है कंसीलर, मैंने स्टिक का कंसीलर लिया हुआ है और मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। और मैं इसको कोई ब्यूटी ब्लेंडर और किसी से भी इसे अप्लाई नहीं करूंगी, मैं बस फिंगर की हेल्प से ही, मुझे पसंद है अप्लाई करना। तो आप देख लीजिए मैं फिंगर की हेल्प से कैसे इसे अप्लाई करती हूँ। बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से ये मेरे फेस पे अप्लाई हो रहा है। कंसीलर मेरे फेस पे अप्लाई हो चुका है, आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस लग रहा है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है 925 की क्रीम। तो यह मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब छोटा मोटा फंक्शन हो, कहीं जाना हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ग्लोई हो जाता है। तो यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जैसे कहीं मार्केट वगैरह कहीं भी जाती हूँ तो मैं इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इसका मुझे जो एक ग्लो आता है चेहरे पे वो नेचुरल ग्लो लगता है आपका, लेकिन मेरे फेस पे अभी ग्लो इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो कोल्ड जब होता है तो फेस एकदम मुरझा सा जाता है, वैसा ही मेरा फेस हो गया है आप देख सकते हैं। और मेरी यहाँ क्रीम लग चुकी है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है वाइट टोन पाउडर। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी और मुझे बस अपना मेकअप थोड़ा सा सेट करना है, मुझे ज़्यादा नहीं लगाना है। एक ब्रश की हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे लगा लूँगी, आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का सा ही लगाया है और बस एक मेकअप सेट करने के लिए ही लगाया है बस। यहाँ मेरा मेकअप सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है आई पैलेट। तो मैं अपना आई मेकअप करूँगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे शेड्स हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और थोड़ा सिमरी टच पे हैं इसके जो कलर, थोड़ा सिमरी टच पे हैं। और एक ब्रश की हेल्प से मैं ट्रांजेक्शन कलर लेकर अपनी आँखों पर लगाऊंगी, और मैं जब तक लगाऊंगी अपनी आँखों पर तब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता। तो यहाँ मेरी एक आईज़ में लग चुका है, आप देख सकते हैं, और मैंने दोनों आँखों पर लगा लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक कलर, थोड़ा सा हल्का सा टचअप देने के लिए, क्योंकि मैं ऑरेंज और ब्लैक शेड में अपनी कुर्ती पहने हुए हूँ। तो मैंने दोनों आँखों में ब्लैक शेड भी लगा लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज शेड लूँगी। तो मैं इस पर पूरी अपनी आई पे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं मेरी आँखें। जब पूरा मेकअप हो जाएगा फिर आप देखना, आई मेकअप कंप्लीट हो गया है मेरा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है NY का वाइट काजल। तो इससे एकदम अलग लुक आता है और वाइट काजल मेरा लग चुका है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है NY का ब्लू लाइनर।
ब्लू लाइनर भी मैंने लगा लिया है। ये मैंने ऑफ कैमरे में लगाया है क्योंकि मैं थोड़ा आगे नहीं लगा पाती हूँ, इसलिए मैं ऑफ कैमरा ही लगाती हूँ। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है 925 का मस्कारा, मस्कारा भी मेरा लग गया है। और मैंने अपनी आईब्रो को भी फिल कर लिया है। और आईब्रो को फिल करने के बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश पे थोड़ा सा ऑरेंज टचअप दूंगी। इससे आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कंटूर लिया है। कंटूर में ये मेरी चार चीज़ें हैं, ब्लशर है और ब्राउन्जर है, तो मैं सिर्फ हाइलाइटर लगाऊंगी। इससे एक ब्रश की हेल्प से हाइलाइटर को हाईलाइट एरिया पे यूज़ करूँगी। हाईलाइट भी हमारा लग गया है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है NY का लिपस्टिक। तो फिर मिलती हूँ मैं फुल मेकअप के साथ। ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉच।